हेलो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.4। इसमें कह रहा है जस्टिफाई दैट द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन दे रखी है, इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और उसमें अपने को बताना आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, विच एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज ए रिडक्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जस्टिफाई क्या करना है कि इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलेंगे, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन की मैंने तीन डेफिनेशन बताई थी। ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, ओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और उसके पास वाले मतलब एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और रिडक्शन में क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और या मोर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मत और या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर किसी स्पीसीज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को या तो लूज करवा लेगा, ठीक है, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसे दूसरे डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन में बोलेंगे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये अपने को कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो देखो आपको पता है मैंने ये बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेरियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, क्या होता है, -2 होता है, एक्सेप्ट या एक्सेप्शन किस में होता है, परोक्साइड सुपरऑक्साइड और फ्लोरीन के साथ ऐड हो रहा हो, तो यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहां पे इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, ठीक है। तो इसका कॉपर का कितना होगा फिर, +1 होगा, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये इसका सल्फर का -2, तो ये इसका हो गया +1, क्लियर। नॉर्मली जो ऑक्सीजन वाली वो है ना सीरीज, सॉरी कॉलम, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, नॉर्मली -2, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, ठीक है। यहां पे देखो ऑक्सीजन का -2, तो -4, तो ये हो गया +4, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का -2 से -2 है, ठीक है, मतलब देर इज नो चेंज, ठीक है। अब देखो कॉपर में यहां पे +1 है, यहां पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बताओ, +1 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और देखो सल्फर में -2 से कितना पे जा रहा है, +4 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्लियर। मतलब देखो अब दो इस रिएक्शन में अपने को एक ऑक्सीडेशन भी पता लग गया और रिडक्शन भी पता लग गया, तो जस्टिफाई हो गई ना रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ये क्या +1 से देखो +1 से डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिड्यूस हो गई, ठीक है, और ये हो गई ऑक्सीडाइज्ड, ये वाला सल्फर, ठीक है। अब अपने को बताना विच एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज ए रिडक्टेंट, ठीक है। इसमें आंख बंद करना है और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो क्या होगा, रिडक्टेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। मतलब ये क्या है देखो, +1 से रिड्यूस हो रहा है, तो ये होगा ऑक्सीडेंट हो गया, और ये क्या होगा, रिडक्टेंट हो गया, रिडक्टेंट हो गया। इसका क्या हो रहा है, देखो -2 से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये रिडक्टेंट हो गया। समझ में आया दोस्तों।